नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। कर्नाटक का हिजाब कांड एक कॉलेज से उठकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वहां पर अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। अभी भी ये विवाद जारी है। बता दें कि दो जजों की पीठ ने 13 अक्टूबर 2022 को अपना फैसला सुनाया, लेकिन दोनों ने ही इस मुद्दे पर अलग अलग राय दी है। अब इस मामले को 3 जजों वाली पीठ को भेजा जाएगा। वहीं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां सालों पहले ही हिजाब पहनने या पूरा चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई थी। कुछ देशों में तो नियमों के उल्लंघन पर मोटे जुर्माने का भी प्रावधान है। आखिर वो कौन कौन से देश हैं जहां पर हिजाब पहनने पर रोक लगी है, एक एक करके बताएंगे आपको आज के इस खास रिपोर्ट में। पहला, फ्रांस। फ्रांस हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश है। वहां साल 2004 में स्कूलों में धर्म को परिभाषित करने वाले कपड़ों के पहनने पर रोक लगाई गई। सरकार ने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया। फ्रांस में हिजाब पहनने या पूरा चेहरा ढकने पर करीब 13,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। महिला को हिजाब पहनने या चेहरा ढकने के लिए बाध्य करने वाले पर करीब 26,00,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा, बेल्जियम। बेल्जियम में जुलाई 2011 में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध को रद्द करने के लिए की याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन दिसंबर 2012 में बेल्जियम की संवैधानिक अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तीसरा, नीदरलैंड्स। नवंबर 2016 में नीदरलैंड्स के सांसदों ने हिजाब पर रोक लगाने का समर्थन किया था। हालांकि प्रतिबंध को लेकर कानून बनने के लिए बिल का संसद में पास होना जरूरी था। बाद में जून 2018 में सरकार ने देश में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। चौथा, इटली। इटली के कुछ शहरों में हिजाब पर प्रतिबंध है, इसमें नोवारा शहर भी शामिल है। इटली के लोबार्डी क्षेत्र में दिसंबर 2015 में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर सहमति बनी और ये जनवरी 2016 से लागू हुआ। पांचवा, अफ्रीका। चाड, कैमरून के उत्तरी क्षेत्र, नीजर के कुछ क्षेत्रों और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सुरक्षा कार्डों का हवाला देकर सरकार ने हिजाब या चेहरा ढकने पर 2015 से रोक लगा रखी है। आतंकी संगठन बोको हरम द्वारा किए गए बम हमले में 34 लोगों की मौत के बाद सरकार ने यह कदम उठाया था। छठा, बुल्गारिया। बुल्गारिया की संसद ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध का कानून साल 2016 में बनाया था। वहां इस नियम की अवहेलना करने पर करीब 66,000 रुपए जुर्माने लगाने का प्रावधान किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को इस पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश भी दिया गया है। सातवा, डेनमार्क। साल 2017 में डेनमार्क में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने और हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई। चेहरा ढकने पर करीब 12,000 रुपए का जुर्माना है। दोबारा पकड़े जाने पर करीब 85,000 रुपए देने पड़ते हैं। आठवां, सीरिया और मिस्र। सीरिया में मुस्लिम आबादी की तादाद करीब 70% है, वहीं मिस्र में मुस्लिम आबादी करीब 90% है। यहाँ की सरकारों ने विश्वविद्यालय में क्रमशः 2010 और 2015 से पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। नौवां, चीन। शी जिनपिंग सरकार ने स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। धार्मिकता को परिभाषित करने वाले पहनावा के साथ स्कूली और सरकारी कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अब एक सवाल उनसे है जो भारत में हिजाब को लेकर बवाल करते हैं। जिन देशों में हिजाब बैन है वो उन देशों को लेकर क्या कहेंगे? और एक सवाल उन लोगों से है जो हिजाब बैन का समर्थन करते हैं, वो हिजाब बैन वाले देशों के लिए क्या नजरिया रखते हैं? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।